पंजाब दे विच अक्सर जदों सड़क दुर्घटनावां हुंदियां तां गड्डियां नूं अग लग जांदियां ने, तां अज असीं तुहानूं इक ऐसी गड्डी दिखाउण जा रहे हां जिस नूं कि रात नूं दो अज्ञात लोकां वल्लों अग लगा दित्ती गई है। तां तस्वीर जिहड़ी तुसीं कार दी अपनी टीवी स्क्रीन ते इस वेले वेख रहे हो, इस कार नूं रात वेले अग दे हवाले कर दिता गया और इस दी सीसीटीवी भी सामने आई है। तां सीसीटीवी 'च वी तुसीं देख सकदे हो किस तरीके दे नाल दो नौजवान आउंदे ने, तां उस तों बाद इस कार नूं अग लगा के चले जांदे ने। तां कार दे हालात कुछ इस तरह दे ने, तुसीं वेख सकदे हो कि पूरी कार नूं अग लगा दित्ती गई है। तां इस कार दे विच दस्सिया जा रहा है कि पेट्रोल पाया गया, पेट्रोल पा के उस दे विच तीली ला के उस नूं अग लगाया गया। तां नौजवान जिहड़े ने इस रस्ते राही आते हैं, तुहानूं जिहड़ा रस्ता असीं दिखा रहे हैं, इस रस्ते राही दो नौजवान मोटरसाइकिल ते आते हैं, तो इत्थे आके इस कार नूं अग दे हवाले करते हैं। तो रस्ता भी इलाका भी तुहानूं दिखा रहे हैं, इत्थे एक सीसीटीवी लगा सी, उस दे विच इह सारी वारदात कैद हुंदी है। तो वह तस्वीर असीं तुहानूं सांझी कर रहे हैं। तो तस्वीर तुसीं वेख सकदे हो कि इस रस्ते च जिहड़ी इस सड़क ते लगी कार सी उस नूं अग लगा दित्ती गई। तो कार दे हालात तुहानूं असीं दिखावांगे कि सब नालों जरूरी है कि यह i20 कार सी। तो i20 कार दे हालात कुछ इस तरह दे ने कि इसका जिहड़ा इंजन है पूर्ण तौर के उत्ते खत्म हो चुका है। तो कार के अंदर जी कि सीट्स होंदिया ने, तो वह सीटा भी बिल्कुल खत्म हो चुकिया ने। तो इस कार के मालक साढ़े नाल मौजूद ने। सर, कि गड्डी सी ते की किवें तोड़िया उन्होंने की की? i20 गड्डी सी भाजी, तो राती 1:30 बजे मैं अपनी सिस्टर नूं छड्ड के आया वहाँ, तो 2:46 तो मतलब कैमरे च देखिया उन्होंने अग उग लाई, आए है पहला शीशा तोड़िया बाय पेट्रोल छिणकिया अंदर, फिर उन्होंने माचिस ना मतलब किया। सानू 4:00 बजे फोन आया वै तो इदा इदा तुहाडी गड्डी नूं अग लगी है। फिर साढ़े इतने महल के कौंसलर आए मिठू मदान जी, उन्होंने पुलिस नूं बुलाया, फिर उन्होंने मतलब वाहवा संजोग उन्हों का कट्ठा कुट्ठा किया। बाद चो मुंडे का सीसीजी फोटो कढ़ाई है, पर मूँह मां उन्होंने मतलब पूरा बन्नया था, हाले तक पता नहीं है पुलिस लगी दी है कैमरे तो सारा कटाने। शीशा तोड़िया गया पहला, उन्होंने ड्राइवर सीट का शीशा तोड़िया। तो ये ड्राइवर सीट का शीशा भी तुम असं दिखा रहे हैं कि यह ड्राइवर सीट का शीशा जरा है वो पहला तोड़िया गया, तो उस तो बाद तोड़ के उस अंदर बोतल सुट्टी गई, तो बोतल सुट के उस तो बाद जरा है आके बोतल का दी सी, कोई बोतल मिली? बोतल प्लास्टिक दी ही जो उन्होंने सुट्टी सी, तो उन्होंने पेट्रोल पा के बाहर सुट्टी, वो भी फोटो आई है उन्होंने सुट्टी है। तो जो अग लाई है तो वह फिर ज़्यादा धमाका आया वै, तो वह बोतल भी नाल ही पिघल गई है। कोई दुश्मनी किसे दे ना? नहीं भाजी, किसे ना दुश्मनी नहीं, हड्डी ना कि ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना लेना ना देना, काम ते जाइदा वा, सवेरे जाइदा शामी आइदा। नहीं एक फाइनेंस ते हैगी सी, पर हुण किस्ता कुस्ता देती है दी, मतलब सब कुछ हो गया था सी। पर किसे नाल कोई लेना देना तुहाडा? किसे ना भाजी कोई लेना देना नहीं है, किसे ना भी नहीं है। लड़ाई झगड़ा किसी गड्डी विच? कोई भी नहीं लड़ाई झगड़ा, ना कोई गल हुई ना कोई बात हुई है, कोई एहो जी गल ही नहीं गी। ये तो हुण और को पता लगेगा, जिन्हें पाया वै फड़िया जाएगा तो फिर ही पता लगेगा अड्डी कड़ी रंजिश कटती है गड्डी दे। किन्ने मॉडल गड्डी सी? ये 2020 मॉडल सी जी। मॉडल नवी गड्डी? नवी गड्डी सी जी। कार के हालात तुसी वेख सकते हो कि टोटल इसनू 100% डैमेज कार कहा जाता है, तो उसकी तस्वीर असीं तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं। तुसी देख सकते हो कि इंजन पूरी तरह खत्म हो चुका है, तो जिहड़े टायर टूर सब कुछ सड़ के सवाह हो चुके हैं। तो इस तों अलावा कार के अंदर के हालात ने, क्योंकि जिस जगह के उत्ते कार नू अग लगती है तो उस तो बाद जिहड़े शीशे सन कार दे वो भी पूरी तरह अग लग जाते हैं। तो उस तो बाद जो है ये ड्राइवर सीट का हाल है, तो ड्राइवर के स्टेयरिंग का हाल भी तुम्हें दस रहे हैं कि स्टेयरिंग के उत्ते जी प्लास्टिक की जी चीज़ लगी होंगी है या रबड़ लगी होंगी है, उसके हालात कुछ इस तरह के ने कि पूरी कार इस वेले अग के हवाले कर दी गई है। तो इस बुरी तरह लगी इस कार की अग की एक सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो रही है। तो कार के असी सारे पासे तुम दिखाने कि आखिरकार कार के हालात किस तरह के ने। तो ये कार का वेख सकते हो कि बकायदा तौर पर जो इतने हैंडल लगे होंगे ने वो हैंडल भी इस वेले नहीं है। तो इस वेले भी अगर गल करिए कार दे विच तपिश है, क्योंकि इसनों पेट्रोल पा के साड़िया गया है, तो इस जिन्ना भी मटीरियल सी सारा सड़ के सवाह हो चुका है। तो तस्वीर लगातार तुहानूं सांझी कर रहे हैं कार दियां ने। तो एक बर्निंग कार जिहड़ी है इस वेले अमृतसर दे विच सब तो पहला जिहड़ा है ये जिहड़ा इस वेले चर्चा का विषय बनिया है कि यह कार जिहड़ी है किस तरीके नाल अग दे हवाले की गई। तो रिहायशी इलाका है अमृतसर, तो पार्षद मिठू मदान जिहड़े ने वो भी इस घर इलाके च रहिंदे ने। तो पूरा एक रिहायशी इलाका रहा, यह नहीं कोई रिमोट इलाका हो। दो नौजवान मूँह ढक के आते हैं, तो उस तो बाद अग लगा एक भाजी है जिथे अग लगाई गई है, उन्होंने इन्ना नहीं पता लगा ये स्कूल हों पेला, ये अंदर 100-150 बेंच पिया है, बाई चांस ज़्यादा अग लग जाती इतने, तो ज़्यादा बड़ा ज़्यादा नुकसान हो जाना, बड़ी तह तक गई अंदर है, शटर चुकाँगे 100-150 स्टूल पिया लकड़ का,
हाँ जी वो बच गया, उन्हें अग लग जाती तो इतने ज़्यादा हंगामा हो जाना सी भाजी, नुकसान हो जाना सी। तस्वीर तुम लगातार साझियां कर रहे हैं अमृतसर तो ने, तो अमृतसर की तस्वीर थानू इस कार की बर्निंग कार बर्निंग कार क्यों हुई इसके कारण की जाँच जी है फिलहाल की जा रही है, लेकिन इस पूरे कार का तो दस रहे हैं कि किस कोई भी हिस्सा शायद जड़ा है बचन के काबल नहीं रहा क्योंकि पूरी कार को अग के हवाले किया गया और कोई शॉर्ट सर्कट नहीं क्योंकि रात वे जो अपनी कार इतने पार्क करके जाते हैं तो उस तो बाद इस अग के हवाले किया जाता है, तो उस अग के हवाले की हुई कार की एक तस्वीर तो असं साझी कर रहे हैं कि तुम वेख सकते हो कि सब कुछ ध्वस्त हो चुका है, तो उस तो बाद रात को पानी मार के इस अग इस कार को बजाया गया, लेकिन इस कारण की रहा क्योंकि जिस तरीके ना पंजाब दे विच पिछे कुछ घटनावां बचिया ने तो उसनू लैके बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि IED ब्लास्ट तो बाद IED घटना जी वापरी सी उसनू लैके बहुत सारा सवाल खड़े हो रहे सन कि आखिरकार इदा दी कार्रवाई क्यों क्यों इस तरह की हुई, लेकिन हूँ एक होर घटना सामने आई है जिथे कि एक रिहायशी इलाके दे विच एक कार नू बुरी तरीके नाल अग दे हवाले कर दिता गया है, तो इस कार की तस्वीर तुहानू साझी कर रहे हैं, तो जिहड़े मालक ने घर दे उन्होंने वालों कहना है कि इस मामले के उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस वालों की कार्रवाई अमल च लियांदी गई है यह वेखने वाली गल होगी, लेकिन एक बार फिर दसना चाहवांगे कि अमृतसर का तहसील पूरा इलाका जो कि जड़ा है एक काफ़ी एक रिहायशी इलाका है एक चंगा इलाका मनिया जाता है, तो उत्थे एक जिहड़े कार मालक ने उन्होंने अपनी कार नूं इत्थे लगाया तो उस कार नूं अग दे हवाले कर दिता गया है, तो उसकी तस्वीर असीं तुहाडे नाल पूरी वीडियो तुहाडे नाल असीं साझी कर रहे हैं। मामला जी एक कंप्लेंट आई सी सानूं प्रदीप कुमार वल्लों कि साड़ी गड्डी नूं कोई नामलूम व्यक्ति अग ला गया, तो उहदे संबंध में असीं मामला दर्ज कर लिया, बाकी साड़ी पुलिस पार्टी जाँच करती पई है कैमरे चैक करती पई है, इंसाफ दिता जाएगा जी, मामला दर्ज कर लिया FIR दर्ज हो गई नहीं चेक करते पे जो रिपोर्ट साढ़े को आई नहीं जी, गड्डी I20 है तो बिल्कुल पुलिस अधिकारी ने पंजाब कार के हालात पुलिस के अधिकारियों ने भी गलबात की है, तो उन्होंने कहा कि जांच जारी है की जा रही कि आखिरकार वो दो नौजवान कौन सन, लेकिन जिस तरीके इस कार नू अग दे हवाले किया गया है तो एक तरीके की क्या जाए तो दहशत फैलाने का काम किया जा रहा है क्योंकि जिहड़े पीड़ित परिवार ने उन्हों का कहना कि उन्होंने किसी नाल कोई दुश्मनी नहीं है, ताकि उन्होंने खुद इस कार नू खरीदिया सी ते किसी तरह का कोई भी लोन नहीं सी, इस कार के उत्ते किसी तरह की कोई चीज़ नहीं सी, तो इस कार नू जरा है जान बूझ के किसी ने शरारत के तहत अग ला के इस खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन वड्डा सवाल है कि आखिरकार किहड़े शरारती लोग ने जिन्हां वालों की है घारा किया गया है, तो उस लोगों की तलाश जी है दो नौजवानों की की जा रही है कि आखिरकार इस कार को क्यों निशाना बनाया गया, लेकिन जिस तरीके इस कार को अग लगाई गई है तो यकीनन कहा जाए कि दहशत फैलाने का काम ही किया जा रहा है, फिलहाल पुलिस इस मामले के इलाके से लगे CCTV की घोख कर रही है, तो पड़ताल कर रही है कि किहड़े लोग ने जिन्होंने कि इस कार को अग के हवाले किया है तो उन्होंने फड़िया जाए तो इस सच सामने लिया जाए कि आखिरकार उन्हों का मकसद की सी, फिलहाल परिवार वालों सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि उन्होंने वालों जड़ा है किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं सी, इस गल तो सीधे तौर पर वो इनकार करते नजर आ रहे कि कोई दुश्मनी नहीं सी, लेकिन अग क्यों लगाएगी इसकी घोख उन्होंने वालों की जा रही है। कैमरामैन अजय के नाल सुमित खन्ना, ग्रेट पंजाब TV अमृतसर।